नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिकी और आज की वीडियो में आपसे हम बात करेंगे। अगर आपकी FI बाइक है, BS6 वाली कोई भी, और उसे आप स्टार्ट करना चाहते हैं बगैर चाबी के, अगर आपकी चाबी खो गई है या आपकी चाबी काम नहीं कर रही है, तो आप उसे किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो है ये दो वायर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि आप मेरे हाथों में देख रहे हैं। तो चलिए बगैर देर के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि किस तरह से आप जो है बगैर चाबी के अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए सबसे पहले आपको हम बाइक स्टार्ट कर दिखा देते हैं। देख सकते हैं प्रॉपर काम सभी कर रहा है। अब बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने देख लिया बाइक स्टार्ट हो रही है। अब इसे हम लोग बंद करते हैं और चाबी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब चाबी देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या सेटिंग बाइक में करना होता है। इसके लिए आपको जो है ये वाली आप वायर देख रहे हैं, जो आपकी डायरेक्ट ये चाबी वाली जो जहाँ पर आप चाबी लगाते हैं वहाँ से निकल कर जो आती है वायर, ये वाली वायर, इसे आप खोल लें। जहाँ से आप इस जगह से देख सकते हैं इसे, ठीक है, इसे आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं, पहले इसे आप डिस्कनेक्ट, इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये वाली जो देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ ये वाली जो पिन देख रहे हैं ये ऊपर में जो है, इसे आपको दबाना पड़ेगा, हल्का सा दबा कर नीचे की तरफ कर आपको खोलना पड़ेगा। चलिए इसे पहले खोल लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने इसे डिस्कनेक्ट कर लिया है, और इसे हटाने के बाद अब ये वाली जो वायर देख रहे हैं इसको आपको इसके साथ जोड़ देना है। इस ये वाली वायर को इसमें जोड़ देना है, और ये वाली वायर जो आप देख रहे हैं इसको आपको इसमें कनेक्शन कर देना है कि बाइक स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको करना है। गलती से भी आप ये वाली और ये वाली में ना डालें, इससे क्या होगा आपकी बाइक का जो फ्यूज है वो ख़राब हो जाएगा, आपको नया फ्यूज इसमें लगाना पड़ सकता है। तो इसमें इसका कनेक्शन आप इसमें कर दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं करके कैसे करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाली वायर है, इसको आप देखो क्या करना है। इसमें आप पहले एक इसमें लगाइए, ठीक है, अच्छी तरह से। एक सेकंड मैं लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है, तो मैं ठीक से लगा इसमें नहीं पा रहा हूँ। तो आप अच्छी तरह से दोनों साइड लगा लें इसे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया है। सामने सामने वाली में करना है, ये जो आप लाल वाली देख रहे हैं इससे आपका फ्यूल इंजेक्टर चलता है। इसको लगाने के बाद आपका फ्यूल पंप काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए आपको वो दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लगा लिया है, देखिए आपको आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है। और तो जैसा कि आप देख सकते हैं चाबी मेरे हाथ में है और बाइक की लाइट, चेक लाइट और न्यूट्रल की लाइट जल रही है। तो चलिए बाइक को स्टार्ट करके आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए बाइक स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम यही है कि आपको बाइक को बंद करना अगर होगा तो आप चाबी से बंद इसमें नहीं कर सकते हैं। देखिए देख रहे हैं आप, बंद इसमें नहीं कर सकते। आपको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लच आपको गियर में बाइक को डालना पड़ेगा। इसके लिए आप देख सकते हैं बाइक गियर में जा चुकी है, इसे क्लच पकड़ें और उसके बाद ब्रेक को दाबे रखें। क्लच आप छोड़िएगा तो बाइक आपकी बंद हो जाएगी। बस इतना ही आपको सेटिंग करना था। अगर आपकी बाइक का चाबी कभी खो जाता है या ख़राब हो जाता है तो आप इसी तरह से अपनी बाइक को स्टार्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी तरह का कार या बाइक से रिलेटेड किसी का प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट हमें कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने और सुरक्षित ड्राइव करें।